नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान तिवारी। अर्थात में आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्थात हमारे आपके पैसे की बात, उससे जो समाज चलता है, जो राजनीति है, उससे जो नीतियां बनती हैं उनकी बात, छोटी मोटी क्राइसिस, बड़े बड़ी घटनाएं, उनकी बात हम यहां करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अंशुमान जी कहाँ हैं, उनको लाइए। अंशुमान जी भी, अंशुमान जी को बड़ा मिस कर रहे थे। अंशुमान जी के परिवार में को पारिवारिक क्षति झेलनी पड़ी है, इस वजह से वो हमारे साथ नहीं थे। उनकी बात और उनका अर्थात हम आपसे साझा करते रहे थे। अब हम फिर से आ गए हैं सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी चिंताओं के लिए। बहुत सारे संदेश मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर मिले और आप सब लोगों ने याद किया। मैं वापस आपके बीच में हूँ जी। अब रवायत है, अंक पे बात करते हैं हम लोग। क्या है इस बार हम लोग इंडिया टुडे में पढ़ रहे हैं सिद्धांत? इस बार हमारे सामने दुविधा थी। दो बड़े मुद्दे हमारे साथ एक साथ थे। एक तो इस बैंक का कोलैप्स करना, इस बैंक का डूबना, जो तकनीकी तौर पर डूब ही गया है, और दूसरा मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम, जहां कांग्रेस की सरकार खतरे में है और माधव सिंधिया का जाना। इस बार का अंक मूलतः इस बैंक पर केंद्रित है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के निवेशकों को, बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। तो यदि आप इस बैंक में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता है, ये जानना चाहते हैं तो इस बार का अंक ज़रूर पढ़ें। इसकी कवर स्टोरी इस पर है, लेकिन इसके साथ आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम की और उसमें अंदर खाने क्या चल रहा है इसकी जानकारी भी मिलेगी। और जो जागा सो बचा, इस बार का अर्थात है, यानी जो सो रहे थे उनके साथ गड़बड़ी हो गई यस बैंक के मामले में, ये कह रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, समझना जरूरी है कि अगर आप उन अभागे जमाकर्ताओं में से हैं इस बैंक के, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि इस बैंक मूलतः नगरीय क्षेत्र का बैंक था, जिसमें कि अर्बन एरिया के लोग और कॉरपोरेट सेक्टर के सैलरी अकाउंट बड़े पैमाने पर थे। अगर आप उन अभागे लोगों में से हैं जिनका करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए की बचत इस बैंक में फंस गई है, और ध्यान रखिए कि इस बैंक कोई छोटा मोटा बैंक या पीएमसी बैंक नहीं है, भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है, अगर इसमें आपकी बचत फंस गई है तो इसकी वजह यह नहीं है कि सरकार सो रही थी। सरकार तो अपनी पूरी व्यवस्था से इस घोटाले को बचाने की, कि इस घोटाले को चलाए रखने की, इसे ढकने की कोशिश कर रही थी। हम और आप सो रहे थे, हम और आप नहीं जानते थे कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है, और इसलिए शायद हम आज इस स्थिति में हैं कि हमारे देखते देखते ठीक त्यौहार से पहले लोगों की तनख्वाहें अकाउंट में पहुँचने के बाद अचानक एक दिन RBI रात में कहता है और 50,000 रुपये से ज़्यादा की जमा पर रोक लगा दी जाती है। समझना ज़रूरी है कि पिछले 2-3 साल में, दो एक साल डेढ़ साल में इस बैंक में ऐसा क्या क्या हुआ जो हमें मालूम है पर हम जानना नहीं चाहते। हमें ब्रीफ जो है, क्या हुआ यस बैंक के साथ? हम यस बैंक ने अपनी क्षमता से अधिक कर्ज बांटा, जैसे कि कोई सरकारी बैंक बांटता है, और उस कर्ज के बदले वो पूंजी जुटा नहीं पाया। सरकारी बैंकों में तो सरकार पूंजी डाल देती है और उनको बचा लेती है, निजी बैंक को या तो बाजार से कर्ज लेना पड़ता है या अपनी इक्विटी डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, वो नहीं कर पाया। धीमे धीमे एक एसेट और लायबिलिटी का मिसमैच हुआ और बैंक अंततः, उसकी रेटिंग गिरती चली गई और बैंक डूब गया, क्योंकि बैंक अपनी जो कमिटमेंट्स थी, जो बॉन्ड्स जिन पर वो पैसा लेकर आया था, उसका पैसा देने के काबिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति सरकारी बैंकों में नहीं होती, क्योंकि वहाँ सरकार उन्हें बचा लेती, कर्ज में वो डूबे हुए थे। दो चीज़ें समझना जरूरी है सिद्धांत, कि एस बैंक पिछले साल ही डूब चुका था, पिछले साल ही चुनाव से पहले ही डूब गया होता, लेकिन इसे इस तरह से चलाए रखने की कोशिश की गई कि ताकि एकदम ये चीज़ें इस तरह से ना बिखरें, तो समझना जरूरी है। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको एक सजग जमाकर्ता होने के कारण या नागरिक होने के कारण अपनी सरकार से पहले खुद से पूछने चाहिए, फिर सरकार से पूछने चाहिए। एस बैंक पर रिजर्व बैंक ने पिछले साल 2 बार पेनल्टी लगाई, 2 वायलेशंस, बड़े वायलेशन के कारण। एस बैंक को बाजार ने कैपिटल देने से मना कर दिया, एस बैंक के बॉन्ड्स को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। उसके बाद भी रिजर्व बैंक ने यह कैसे अनुमति दे दी कि एस बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता रहे, जिस पर देश का केंद्रीय बैंकर, फेडरल बैंकर पेनल्टी लगा रहा है, बाजार को जिस पर भरोसा नहीं है, जिसके बॉन्ड्स की रेटिंग गिर रही है, उसे इस बात की छूट दी जा सकती है कि वो लगातार लोगों से डिपॉजिट लेता सब है। जानते हुए, और ये काम पिछले साल हुआ चुनाव से पहले, जब पेनल्टी लगाई गई, और सब जानते हुए उसके बाद भी इसे ओपन किया गया कि जमा कर लेता रहे। और एस बैंक के लोग, एस बैंक के बंद होने के या फंसने के
48 घंटे पहले तक आपको डिपॉजिट के लिए फ़ोन कर रहे थे, एफडी के लिए फ़ोन कर रहे थे कि मैं बाजार से अच्छी रेट पर आपको ब्याज दर दे रहा हूँ। उस व्यक्तिगत मेरे पास भी वैसे फ़ोन आए कि एस बैंक में सबसे अच्छी इंटरेस्ट रेट डूबने की खबर आएंगे 48 घंटे पहले तक। तो एस बैंक जमा कैसे ले रहा था जब रिजर्व बैंक को इसके कामकाज पर शक था, रिजर्व बैंक ने इस पर पेनल्टी लगाई थी। और गहरे समझ चलिए और देखिए कि मिस कितना गहरा है। पिछले साल मई में, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि चुनाव से पहले डूब गया होता, पिछले साल मई में रिजर्व बैंक ने अपने एक्स डिप्टी गवर्नर आर गांधी को एस बैंक के निदेशक मंडल में तैनात किया। आर गांधी को इसलिए रिजर्व बैंक ने भेजा था क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि एस बैंक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, जो स्पष्ट था, पता था, क्योंकि एस बैंक के में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गहरे इशू थे, राणा कपूर को हटाया गया था। उन्होंने पिछले एक साल में क्या किया जिसको रिजर्व बैंक ने अपॉइंट किया था? आज जो हम अचानक ईडी को ताज पहना कर कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राणा कपूर का हवाला ट्रेड पकड़ लिया और उनकी फर्जी कंपनियां पकड़ ली, ये जो आरबीआई के नामित या नॉमिनेटेड महोदय डिप्टी गवर्नर बैठे थे एक साल बोर्ड में, वो कुछ नहीं बता सके रिजर्व बैंक को, आरबीआई के जिसको आरबीआई ने अपॉइंट किया, वो कुछ भी रिजर्व बैंक को या सरकार को नहीं बता सके कि क्या हो रहा है इस बैंक के अंदर, जबकि इन्हें भेजा गया था। रिजर्व बैंक इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसने इस घोटाले को चलने दिया और होने दिया और आज दो इतने बड़े बड़े पैमाने पर लोगों की बचत इसमें फंस गई। अब और आइए तीसरी चीज समझने की कोशिश करिए, या आज एक जागरूक जमाकर्ता के तौर पर ये सवाल हमें बराबर पूछते रहने चाहिए थे जो लोगों की निगाह में थे। एस बैंक पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप था, इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप इसका मतलब है कि एस बैंक के निदेशक बाजार में सट्टेबाजों से मिलकर अपने शेयर में सट्टेबाजी करा रहे थे। एस बैंक पिछले एक साल से मुश्किल में है, लेकिन एस बैंक पिछले एक साल में सटोरियों का सबसे पसंदीदा स्टॉक रहा है। अच्छा, आप अगर बाजार में पिछले इस डूबने से पहले तक एस बैंक का केवल चार्ट देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि एस बैंक ने कितनी ऊंची और कितनी ऊंचाई और कितनी नीचाई किस लेवल तक गया। एस बैंक को इंडेक्स में शामिल रखा गया जबकि ये स्टॉक इनसाइडर ट्रेडिंग का शिकार था। इसके बाद भी आश्चर्य है, इसके बाद भी कि जिस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप था, जिसके बॉन्ड्स को मार्केट रेटिंग गिरा रहा था, म्यूचुअल फंड उसमें फिर भी इन्वेस्ट करते चले गए। अब सेबी ने कौन सी भांग पी ली थी? सेबी को यह नहीं पता था कि जो बैंक अपना बाजार से उठाया कर्ज नहीं चुका पा रहा है, जिस पर रिजर्व बैंक पेनल्टी लगा रहा है, वहाँ म्यूचुअल फंड पैसा कैसे डाल सकते हैं? तो जमाकर्ताओं का पैसा तो गया ही, म्यूचुअल फंड से इसमें पैसा लगा रखा था और उन 81 बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा था जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपने पैकेज में नल एंड वाइट घोषित कर दिया, इनको खत्म कर दिया 10,000 करोड़ के बॉन्ड्स में, उसमें बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स का लगा था। अब एक और चीज़ समझिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सवाल सरकार से पूछना ज़रूरी है। पिछले चार साल में खराब कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण डूबी हर बड़ी कंपनी से इस बैंक का रिश्ता है। अच्छा। चाहे वो अनिल अंबानी ग्रुप हो, चाहे वो देवान हाउसिंग हो, चाहे वो आयल एंड एफएस हो, चाहे वो सीजी पावर हो, चाहे वो कॉक्स एंड किंग हो, आप इनको गिनते चले जाइए। ऐसे टेंटेड और दागी बैंक को सरकार के पेमेंट इंटरफेस में UPI में, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बनाता है, उस बाजार में 40% हिस्सा कैसे मिल गया? 40% हिस्सा था। और इसलिए UPI, जैसे ही इस बैंक बंद हुआ, UPI क्रैश हुआ, UPI को बाद में ICICI बैंक पे ट्रांसफर किया गया। अब आप समझिए, रिजर्व बैंक को ये पता है कि ये बैंक डूबने की स्थिति में है, सरकार को ये पता है रिजर्व बैंक ये बैंक डूबने की स्थिति में अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, ये उसके बाद भी सरकार के पेमेंट इंटरफेस में, जिसके बारे में हजारों लोगों को पता ही नहीं कि UPI चला कौन रहा था, उस बाजार में इस बैंक का 40% हिस्सा था और वो भारत में फिनटेक के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में था। रिजर्व बैंक ने क्या किया? रिजर्व बैंक ने जब इस बैंक में डिपॉजिट पर रोक लगाई और उसके बाद उसके लिए जो बेलआउट पैकेज लॉन्च किया, उसमें ये कहा गया कि इस बैंक के 81 बॉन्ड अब नहीं चलेंगे और उन्हें जंक कर दिया जाएगा। 81 बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो बैंक्स थोड़े ज़्यादा ब्याज दर पे बाजार में जारी करते हैं पैसा उठाने के लिए। अच्छा। ये वो बॉन्ड है जिनको रिजर्व बैंक ने 2006-07 में बैंकों को जारी करने की इजाज़त दी थी। बाजार की भाषा में इनको सीनियर इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी नहीं होते हैं पर उससे बड़े एक कदम आगे होते हैं और इससे बैंकों को जो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हम तकनीकी भाषा में बेसिल नॉर्म के तहत जो बैंक्स जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करने में मदद मिलती है। इन बॉन्ड्स को एस बैंक इस डूबने से एक महीने पहले तक बेच रहा था और उन लोगों को भी बेच रहा था। म्यूचुअल फंड को तो छोड़ दीजिए जो 10,800 करोड़ रुपए इनके फंसे हुए,
जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको भी बेच रहा था, क्योंकि इस पर ब्याज बाजार से महंगा ब्याज ऑफर किया जा रहा था। अगर मार्केट में एवरेज इंटरेस्ट रेट 6-7% है तो 1-1.5% का ज़्यादा ब्याज दर दिया जा रहा था। अब क्या रिजर्व बैंक को या रेगुलेटर्स को या सरकार को नहीं दिख रहा था कि ये बैंक जो खुद अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है वो कर्ज उठाने के लिए ये ब्याज दर देगा कहाँ से, ये इंटरेस्ट रेट कहाँ से रिटर्न करेगा? आज उन 81 बॉन्ड को रद्द करने के बाद इसमें म्यूचुअल फंड्स के 10,000 करोड़ रुपए फंस गए। मतलब एक तरफ डिपॉजिटर गया, दूसरी तरफ ही म्यूचुअल फंड के पैसे इसमें फंसे। अब 81 बॉन्ड दर्ज करने के खिलाफ म्यूचुअल फंड सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमारा आपका SIP का पैसा इस बैंक के बॉन्ड में लगा दिया। उन्हें ये थोड़ी पता था कि रिजर्व बैंक एक दिन नींद से जागेगा और उनके 10,800 करोड़ रुपए के निवेश पर पानी फेर के उसको बंद कर देगा। अब अगर रिजर्व बैंक इस फैसले को नहीं बदलता या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करता है तो ये जो 10,800 करोड़ रुपए का निवेश इसमें फंसा हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये चोट किसको आएगी? चोट हमारे जैसे छोटे निवेशकों को आएगी। अब आप देखिए, स्टेट बैंक जिसको बेलआउट करने के लिए लगाया गया है, 1,68,000 करोड़ रुपए का NPA स्टेट बैंक पर है, जो 31 दिसंबर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स फंसे हुए कर्ज हैं। एस बैंक में करीब करीब अभी मोटे मोटी गणित आ रही है 20,000 करोड़ रुपए इस बैंक में डाले जाने की संभावना है। स्टेट बैंक को खुद 2019 में रिजर्व बैंक ने अपना एनपीए छुपाने के मामले में पकड़ा था, और उसके बाद इस बैंक का रिजर्व स्टेट बैंक का जो देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका घाटा 6,000 करोड़ रुपए हो गया था जो उसने छिपाया था। ऐसा ही काम इस बैंक भी करता रहा। इस बैंक को भी रिजर्व बैंक ने अपने एनपीए की अंडर रिपोर्टिंग में पकड़ा था, उसने पूरा एनपीए पूरे फंसे हुए कर्ज नहीं बताए थे। तो अब अगर आप सोचिए कि अगर जितना टोटल एनपीए एस बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है वो सारा का सारा एनपीए अगर SBI के खाते में जाएगा, क्योंकि SBI इसको टेक ओवर करेगा, तो SBI के एनपीए की स्थिति क्या होगी और उसकी कीमत कौन चुकाएंगे? उसके डिपॉजिटर्स चुकाएंगे। तो अभी तक तो हम ये देखते थे सिद्धांत की एनपीए खरीदे जाते थे, अब तो एनपीए से फंसा हुआ पूरा बैंक ही खरीद लिया जा रहा है, पूरा बैंक खरीद लिया जा रहा है। अभी तक तो आप जब जाते थे और IBC के थ्रू एनपीए सेल करते थे, अब तो एनपीए में फंसा हुआ एक प्राइवेट पूरा बैंक खरीद लिया जाता है। ध्यान रखना जरूरी है कि इस बैंक के बेलआउट में LIC को भी पार्टनर बनाया जा रहा है। LIC ने 21,000 करोड़ रुपए IDBI बैंक में डाले हैं। LIC से 21,000 करोड़ रुपए में IDBI बैंक का टेक ओवर कराया गया था, वो आज तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाया और LIC की बैलेंस शीट में बड़ा छेद हुआ है और IDBI बैंक उसी स्थिति में है। अब जब तक LIC और स्टेट बैंक की कृपा इस बैंक पर होगी तब तक इसके ज्यादातर डिपॉजिटर्स भाग चुके होंगे। जैसे ही जिस दिन सरकार, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकती बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा फंसा हुआ, जिस दिन भी सरकार या रिजर्व बैंक की इजाजत देगा कि आप 50,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल ले सकते हैं, और प्राइवेट बैंक्स में जो औसत डिपॉजिट की राशि होती है वो 1-2 लाख रुपए से ज्यादा होती है, सरकारी बैंकों में कम होती, और चूंकि ये प्राइवेट बैंक था कॉर्पोरेट ग्राहकों पर ध्यान देता था तो छोटे लोगों के खाते भी नहीं थे, बड़े लोगों के खाते थे या सैलरी अकाउंट थे, तो जिस दिन ये मॉरिटोरियम या जिस दिन ये पाबंदी हटेगी उस दिन इसका सारा डिपॉजिट अपने आप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, लोग पैसा अपना निकाल लेंगे। अब ये बैंक मुर्दा हो जाएगा और ये मुर्दा होके स्टेट बैंक और LIC के गले में फंस जाएगा। अब इसके उद्धार की लागत कौन उठाएगा? इसके उद्धार की लागत म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उठाएंगे और हमारे आपके से जमा करता हूं अल्टीमेटली पूरा लोड हम लोग पर। आप सोचिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ये सब पता होता, छोड़ दीजिए रिजर्व बैंक को थोड़ी देर के लिए, छोड़ दीजिए सरकार को, आप और हमें अगर ये सब पता होता तो क्या आप इस बैंक में पैसा रखते? नहीं। अगर आपको जानकारी होती कि एस बैंक पिछले एक साल से ये कर रहा है, ऐसी चीजें इसके अंदर हो रही हैं, RBI और सरकार करने दे रहे हैं और उसे करने दे रहे हैं, तो क्या आप उसमें पैसा रखते हैं? एकदम नहीं। तो हम जब जान ही नहीं पाते हैं, बैंक हमारे बारे में जितना जानता है हम अपने बैंक के बारे में उसका 5% भी नहीं जानते। और अब जहां हम खड़े हुए हैं, हमने बैंकिंग का मतलब होता है भरोसा, तो हमने बैंकों पर कुछ इतना ज्यादा अंधा भरोसा कर लिया है कि हमें मानते हैं कि हमको रोज ठगा जाएगा और वही हमारी देशभक्ति है। अब जब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि भारतीय बैंकिंग अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। सिद्धांत, अस्तित्व का संकट सरकारी बैंकों में भी है और देश का चौथा प्राइवेट बैंक कोलैप्स कर गया देखते देखते, आपके सामने चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक कोलैप्स कर गया। ये अस्तित्व का संकट इसलिए है क्योंकि बैंकों का पूरा कारोबारी मॉडल दरक गया है, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं 1-2 अर्थात में। आगे हम फिर चर्चा करेंगे कि बैंकों का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो क्यों कोलैप्स कर गया है। समस्या ये है कि यहाँ जितने रेगुलेटर हैं वो चोरों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी गलतियां ढाकते हैं। हर सरकार क्रोनी बैंकिंग का एक नया मॉडल लेकर आती है जिसमें उसके चहेते उद्योगपति बैंकों से पैसा निकाल ले जाते हैं या कर्ज की माफ़ी बांट देती है, और फिर टैक्सपेयर के पैसे को बैंकों में झोंक दिया जाता है
और उनको उभारा जाता है। स्टेट बैंक जितनी पूंजी गंवाएगा इस बैंक को बेलआउट करने में, वो पूंजी बजट से आएगी बाद वापस स्टेट बैंक के पास, और वो हमारा टैक्सपेयर्स का मनी होगा। तो आप देखिए ना, आप अपनी एक जेब से बैंक में बचत रखते हैं, दूसरी जेब से सरकार को टैक्स देते हैं, दोनों जेबें कटती हैं। जब एक बैंक डूबता है तो दोनों जेबें कटती हैं, आपकी बचत भी फंसती है और आपका टैक्स भी फंसता है। तो अब कर संकट केवल यही नहीं सिद्धांत की, जो डिपॉजिटर्स हैं वो लूज कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों में बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है, उनके शेयर्स में, उनके बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में। तो जब कोई बैंक हिलता है भरभराता है, गिरता है, तो डिपॉजिटर्स भी लूज करते हैं और इन्वेस्टर्स भी लूज करते हैं। और इसलिए आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में, इस बैंक में करीब 52 म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के 550-600 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें शायद HDFC म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा शेयर रखता है। अब वो पैसा एस बैंक का स्टॉक तो चाय की एक प्याली चाय से भी नीचे लेवल पे आ गया, उसकी वैल्यू 5-7 रुपए रह गई। उस स्टॉक को जिन म्यूचुअल फंड्स ने खरीद रखा था, वो अपने निवेशकों को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या रिटर्न देंगे? तो इसलिए मेरा मानना यह है, मैं जो मुख्य महत्वपूर्ण बात है इस बैंक के पूरे स्कैम से, वो समझने की ये है कि अगर आप जागेंगे नहीं तो आप बचेंगे नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा बैंकिंग की तरफ से। जितना समय हम राजनीति की चर्चा में और नेताओं के भाषण में लगाते हैं ना संधात, उसका 10% टाइम ही हम अगर अपनी बैंकिंग को, अपनी इकोनॉमी को, जहां हमारी बचत गाढ़ी और कमाई रखी, उसको समझने में लगा दें, तो हम ऐसे ठगे नहीं जाएंगे। पहली चीज़ हमारे लिए ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी बैंक अगर आपको बाजार में सामान्य दर से अधिक, चाहे वो बैंक हो या वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे NBFC हो, बाजार में सामान्य ब्याज दर जो उपलब्ध है, औसत ब्याज दर, उससे ज़्यादा दर पर ब्याज की पेशकश करता है जमा पर, तो उस पर शक करिए, जरूर शक करिए। अगर बाजार में 5-5.5%, 6% की ब्याज दर है और कोई बैंक आपको 7.5%, 8% पे, कोई NBFC 7.5%, 8% की ब्याज दर देने का वादा करता है, तो उस पर शक करिए। एस बैंक ने अपने 81 बॉन्ड में यही किया था। बैंक के पास कुछ नहीं था और नया पैसा लेने के लिए उसने ज्यादा ब्याज का लालच फेंका और लोग उसमें फंस गए और वो पैसा लेकर आया और आज वो 10,000 करोड़ के बॉन्ड कचरा होके पड़े हुए हैं। एक महीने पहले तक। तो अगर ये समझिए कि बाजार में अगर कोई किसी को पैसा 6% पर मिल रहा है, तो वो आपको 8.5% पे कैसे दे देगा, उस पे रिटर्न कैसे दे देगा? 6% के बाद अपना खर्चा निकाल के आपको, आपसे 0.5% खर्चा भी लेगा चलाने का। दूसरी चीज ये है कि बैंकों के जो भी लुभावने विज्ञापन आते हैं टीवी पर और बड़े बड़े शो को वो जो स्पॉन्सर करते हैं, उनके वजह है, आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके बैंक ने किसको कर्ज दे रखा है और जिस सेक्टर को कर्ज दे रखा है, जिन कंपनियों को कर्ज दे रखा है, उनमें एक्चुअली हो क्या रहा है, उनके भीतर क्या हो रहा है। और यह भी समझने की कोशिश करिए कि ये जो बकाया कर्ज है, उसका उस बैंक की कमाई और उस बैंक के मुनाफों से क्या रिश्ता है। इसलिए आप बैंक का मुनाफा मत देखिए। अगर आप थोड़ी भी अपनी बचत को लेकर चिंतित हैं, तो बैंक की प्रोविजनिंग देखिए। ये देखने की कोशिश करिए कि किसी बैंक ने किसी तिमाही में अपने बकाया कर्जों के बदले कितना पैसा अपने खाते से निकाल कर अलग सुरक्षित रखा है। और यही हुआ स्टेट बैंक के साथ कि स्टेट बैंक ने प्रोविजनिंग छुपाने के लिए अपने कर्ज, स्टेट बैंक सरकारी बैंक ने अपने NPA छिपा लिए। जब रिजर्व बैंक ने पकड़ा तो 6,000 करोड़ रुपये का लॉस उस क्वार्टर में स्टेट बैंक को दर्ज करना पड़ा। एक चीज ध्यान रखिए कि भारतीय बैंकिंग जमाकर्ताओं के दम पे चलती है, कर्ज लेने वालों के दम पे नहीं। इंडिया की बैंकिंग डिपॉजिटर्स की बैंकिंग है, और जब भी सरकारें सस्ते कर्ज की बरसात एक सीमा से अधिक करती हैं, तो उसमें हमारी आपकी बचतें डूब जाती हैं। और पिछले एक साल में जब हमारे पास गहरी मंदी है, ना इनकम बढ़ रही है, ना मांग बढ़ रही है, तो लगातार हमारी बचतों पर रिटर्न घटता जा रहा है। देखिए, सरकार ने अभी छोटी बचत स्कीमों पर, प्राइवेट फंड पर भी ब्याज दर घटा दी। इससे पहले सरकार ने रेपो रेट कम कराई तो सारे डिपॉजिट्स के ऊपर रेट घट गई। बैंक मुनाफा कमाता तो फायदा इन्वेस्टर को होता है, सरकार को होता है, जमाकर्ता को क्या मिलता है? डिपॉजिटर्स को तो अगर बैंक ने कहा कि 5% ब्याज देना, तो 5% ब्याज उसको मिलेगा, चाहे बैंक का मुनाफा 15% बढ़ जाए या बैंक का मुनाफा 2% बढ़ जाए। डिपॉजिटर जो कैपिटल का बेस है बैंक का, उसे कुछ नहीं मिलता। एक चीज और ध्यान रखिए कि आपका म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप SIP के थ्रू, तो ध्यान रखिए कि आपका म्यूचुअल फंड किस बैंक में पैसा लगा रहा है, किस बैंक का बॉन्ड खरीद रहा है, किस बैंक के स्टॉक में पैसा लगा रहा है। म्यूचुअल फंड्स सेबी के नियमों के तहत आपको यह बताने के लिए बाध्य हैं कि उन्होंने पैसा कहां लगाया है, वो पोर्टफोलियो का डिटेल बताने के लिए बाध्य हैं। मांगिए उनसे उनका डिटेल, जानने की कोशिश करिए कि क्या उन्होंने ऐसे किसी बैंक में या किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा तो नहीं लगा रखा है जिसके बारे में बहुत सारे लाल सिग्नल जल रहे हैं, क्योंकि आप दोहरी नुकसान में होंगे। आपने उस बैंक में पैसा रखा, बचत भी डूबेगी, उस बैंक के स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया,
तो आपका निवेश भी डूबेगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है, सिद्धांत की बैंकों के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानना हमारा हक है, और जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे हम जागेंगे नहीं। हम सरकारों से कठिन और कठोर सवाल नहीं पूछेंगे, उन्हें टी बैग की तरह गर्म पानी में नहीं डुबाएंगे, तब तक भारत में बैंकिंग पारदर्शिता में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत में बैंकों की पारदर्शिता के नियमों में बहुत आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। हमारी आंखों के सामने देखते देखते इस बैंक डूब गया एक डेढ़ साल के भीतर, और ज्यादातर निवेशकों को, ज्यादातर बैंक डिपॉजिटर्स को कुछ पता नहीं था। देखिए, समझना जरूरी है कि हम बैंक के बंधुआ नहीं हैं, हम बैंक के बंधुआ नहीं हैं, बैंकों को हमारी जरूरत है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी गाढ़ी कमाई संकट में रहेगी, जागिए नहीं तो डूब जाएंगे। यानी लाल झंडे बहुत सारे थे, देख तो डेढ़ साल से उठ रहे थे, और सरकार ने और आरबीआई ने जाने अनजाने में ये सब चीजें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में थी, सब कुछ पता था। अगर आरबीआई किसी बैंक को सिद्धांत नोटिस भेजती है तो स्टॉक मार्केट के नोटिस बोर्ड पर दिखाई देता। सही कह रहे हैं, देता है। अगर किसी बैंक के बॉन्ड्स के ऊपर सवाल उठाया जाता तो मनी मार्केट उसको बताता है, रिएक्ट करता है। अगर बैंक के खिलाफ शिकायत होती है तो वो सरकार को पता होती है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो बहुत गोपनीय रहा हो। आरएस गांधी का अपॉइंटमेंट मई में सबको पता था कि उनको इस बैंक में अंदर क्राइसिस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया। उनके ठीक करने का नतीजा क्या हुआ कि बैंक ही डूब गया। वो तो ये सब चीज़ें हमारे सामने थी, हम देखते नहीं हैं, हम उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते, हम समझने की कोशिश नहीं करते, फिर अचानक एक दिन हमको लगता है कि हमारी सारी बचत चली गई। आप इमेजिन करिए कि अगर ये सारे सिग्नल हमने मई जून जुलाई में पिछले साल समझ लिए होते तो शायद सरकार इस बात के लिए बाध्य होती कि इस बैंक को उसी समय ठीक कर ले, उसी समय रेक्टिफिकेशन कर ले। पर उस समय चूंकि हमने सवाल नहीं पूछे इसलिए सरकार नियामक बैंकर आपस में मिलकर ये खेल करते रहे। तो अब क्या स्थिति है सिद्धांत, कि हमारे सरकारी बैंकों का ढांचा जितना करप्ट है, इस बैंक का सबसे बड़ा संदेश हमारे लिए ये है सिद्धांत कि हमारे सरकारी बैंकों का ढांचा जितना भ्रष्ट है, जहां पर क्रोनी बैंकिंग, सरकार और बैंकर मिलकर कुछ कंपनियों को पैसा देते हैं, निजी बैंकों का ढांचा भी उतना ही करप्ट हो चुका है। निजी बैंकों में भी अब उतनी ही अपारदर्शिता है, उतनी भी नॉन ट्रांसपेरेंसी है, और उतनी ही गंदगी और धतकर्म है जितने सरकारी बैंकों में। तो आप जाओगे कहाँ, किसके पास पैसा रखोगे? जाहिर सी बात है। तो यानी एक चीज याद आ रही है मुझे कि एक बैंकिंग में होता है KYC, नो योर कस्टमर। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं अब धीमे धीमे कुछ लोग हैशटैग चला रहे हैं नो योर बैंक KYB, वो यही सवाल धीमे धीमे कमोबेश यही सवाल कर रहे हैं अपने बैंकों से, जहां जहां खाते हैं लिख कर उनको टैग करके पूछ रहे हैं कि आपके निवेश कहाँ हैं, कितने लोगों को, कितने बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को लोन दिया है, किन शर्तों पर, किन ब्याज दरों पर लोन दिया है। तो आपके कहने मतलब है कि इसको एक प्रैक्टिस में लाइए, धीरे इसको प्रैक्टिस में नहीं लाइए। ये आप जब पूछोगे तो बैंक बताएगा नहीं क्योंकि आप बैंक के शेयर होल्डर तो हो नहीं। बैंक यही तो दिलचस्प चीज है, वो हमारे बारे में ज्यादा जानते हैं, वो हमारे बारे में, हम डिपॉजिटर हमारे बारे में ज्यादा जानते हैं, पर बैंक के बारे में बैंक के शेयर होल्डर ज्यादा जानते हैं जो मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं। क्योंकि जो बैंक के डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं, कितना गहरी असंगति है सिद्धांत की, जो बैंक का डिपॉजिटर है उसको डिस्क्लोजर नॉर्म्स का कोई फायदा नहीं मिलता, और जो बैंक का शेयर होल्डर है जो बचत नहीं रख रहा है केवल बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे बैंक के डिस्क्लोजर नॉर्म्स का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, सरकारों को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, उनसे तीखे सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक भारत में बैंकों के डिस्क्लोजर नॉर्म्स नहीं बदलेंगे। जमाकर्ता को भी बैंक के कर्ज, मुनाफे, प्रोविजनिंग, घाटे के बारे में उतनी ही सूचनाएं मिलनी चाहिए जितनी सूचनाएं शेयरधारक को मिलती हैं, शेयर होल्डर को मिलती हैं। अगर वो दोनों एक पैरिटी में नहीं होंगे तो शेयर होल्डर को तो नुकसान होगा केवल स्टॉक की वैल्यू का, यहां तो लोगों की पूरी बचत डूब जाएगी, पूरी बचत डूब गई। पीएमसी बैंक के बारे में उसके किसी भी आदमी जो लाइन में खड़े थे या जो एक दो लोगों की डेथ हो गई, उनको किसी को नहीं मालूम था कि इस बैंक ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति, अपना आधी से ज्यादा बचत एक कंपनी को लोन में दे दी है। क्या उन्हें पता था? आपके पास जो पासबुक आती उसमें थोड़ी लिखा होता कि बैंक ने किसको कर्ज दिया है। तो बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी के नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है, सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार बैंकर और इंडस्ट्री का एक नेक्सस है, वो एक क्रोनी नेक्सस है। सरकारें इसे तब करेंगी जब हम इसके बारे में बार बार दबाव बनाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, लिखेंगे, तब जाकर सरकारों को समझ में आएगा कि बैंकों में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। अच्छा सर, इस पर एक सवाल आखिरी ये बनता है कि सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को दोष दिया जा रहा है इसके लिए, और कि यस बैंक की क्राइसिस में मोदी सरकार कहता है। अब यस बैंक से आते आते बात बैंकिंग सेक्टर पर ही आ जा रही है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को ध्वस्त कर डाला है। कई बार हमने भी अर्थात ने इस पर बातचीत की भी है।
तो क्या सरकार ने डिलिबरेटली मोदी सरकार, हम लोग अलग से बात करेंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन जो और पिछले 5-6 सालों में भारत में बैंकिंग सेक्टर में क्यों हुआ एक के बाद एक बैंकों में, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे और इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ था, कहाँ से क्राइसिस जर्मिनेट होती है उसे समझना जरूरी। पर एस बैंक के डूबने की जिम्मेदारी से मोदी सरकार नहीं बच सकती। एस बैंक में क्राइसिस शुरू हुई थी दिसंबर 2018 में और तब से आज तक मैंने तो आपको ये 6-7 उदाहरण दिए ना, बताए इससे ज्यादा ग्लेयरिंग नेग्लिजेंस क्या हो सकता है एक बैंक को, कि सरकार उसे काम कारोबार भी देती जा रही है, वो लगातार कर्ज भी बांटता जा रहा है, वो लगातार बांड से पैसा भी उठाता जा रहा है, तो सरकार ने क्या आंख बंद कर रखी थी। आज जिन राणा कपूर के ऊपर छापा डाला गया जब बैंक बंद हो गया, उन राणा कपूर के बारे में सरकार को क्या 6 महीने साल भर पहले से नहीं पता था? जो RBI जो मॉनिटरिंग कर रहा था इस बैंक की पिछले साल नवंबर से, उस मॉनिटरिंग से क्या निकला हमारे पास? तो सरकार इस जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं बच सकती कि देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक नेग्लिजेंस के कारण इस क्राइसिस में पहुंच गया। पर इससे ज्यादा बड़ी समस्या सिद्धांत यह है कि इसका बेलआउट हमको बहुत महंगा पड़ेगा, बचाने का भी पैसा हमें को देना पड़ेगा, इसने हमी को डुबाया है और हमारा सरकारी इंश्योरर और हमारा देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कर हमारे ही पैसे से, चाहे वो टैक्स का पैसा हो चाहे बचत का पैसा हो, इस बैंक इसमें डुबाने जा रहे हैं जिसमें गलत कंपनियों को गलत ढंग से कर्ज बांटे गए। तो ये थी हमारी आज की बातचीत कि अपना पैसा सही जगह लगा रहे हैं, जहां पैसा लगा रहे हैं तो उसको जानने का अधिकार आपको होना चाहिए। सर, चलते चलते कोरोना पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। पिछला अर्थात आपने कोरोना पर लिखा था, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंचाई है, मैंने जीवन के नुकसान और तमाम एहतियात और तमाम स्वास्थ्य की दिक्कतों के बावजूद, अब तो एपिडेमिक घोषित हो चुकी है ये, कहाँ है हम लोग कोरोना के अगर आलोक में देखें? देखिए, पिछले सप्ताह जब हमने लिखा था, कुछ दुर्योग से मैं नहीं आ पाया। पिछले सप्ताह जब हमने ये बात उसमें प्रेडिक्ट की थी कि अगले एक हफ्ते के अंदर भारत में कोरोना बड़ी महामारी के तौर पर फैल चुका होगा, हर राज्य से इसके मामले आना शुरू हो जाएंगे, बात हमने उसमें लिखा। 12 राज्यों का डाटा है आज हमारे पास आ चुका है, पर हमें कोरोना को सिद्धांत कुछ अतीत के कुछ हमारे एक्सपीरियंस उनसे समझना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आप ये वायरल डिसीजेज आके ख़त्म हो जाती, ये दुनिया के दूसरे देश होंगे जहाँ वायरल डिसीजेज आकर ख़त्म हो जाती है। हमारे पास सबसे ताज़ा उदाहरण स्वाइन फ्लू का है। स्वाइन फ्लू फैला 2007-08 में, दुनिया के कई देशों में फैला, वहाँ से ख़त्म हो गया। भारत में स्वाइन फ्लू एपिडेमिक बन गया, महामारी बन गया। नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर के डेटा के हिसाब से 2009 से 2019 के बीच में 10,000 लोग स्वाइन फ्लू से मरे हैं और हर साल करीब 1,000 से 1,100 लोग स्वाइन फ्लू से मरते हैं। ये वो आंकड़ा है जो रिपोर्ट होता है, जो सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों के पास पहुंचता है। जो लोग पहुंचते ही नहीं है सिस्टम से बाहर, उसमें से कितने लोग स्वाइन फ्लू से मर जाते होंगे, पर सरकार के सिस्टम के भीतर उनको पता है कि स्वाइन फ्लू हमारे यहाँ एक तरीके की एपिडेमिक जैसा हो चुका है। तो क्या कोरोना उसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है? उसकी वजह यह है कि भारत का पूरा चिकित्सा सिस्टम वायरल डिसीज के लिए कभी तैयार नहीं होता। भारत वायरल डिसीज के साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि वायरल डिसीज आपकी हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिट करती है सबसे पहले आपके श्वसन तंत्र को हिट करती है, और उसके लिए आपको प्राइमरी हेल्थ के सेंटर के लेवल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में बड़े इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए। भारत का जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है वो जच्चा बच्चा से आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं खड़ा हुआ है। और वायरल डिसीज जब भी फैलती हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी भाग खड़े होते हैं, वो भी हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वायरल डिसीज़ ये कंटेजियस होती हैं, फैलती हैं, तो प्राइवेट अस्पताल भी बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए तो बहुत आसानी से तैयार रहते हैं आपके कार्डियक सर्जरी, लेकिन आप जैसे ही वायरल में कोरोना स्वाइन फ्लू लेकर जाइए, निजी अस्पतालों को भी लगता है कि इसमें कौन अपना आफत डाले, 2-4 लोग और इससे बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए एक तो इनका स्प्रेड बहुत तेज होता है, अचानक फैलते हैं हवा पे बैठ के, दूसरा ये कि भारत का हेल्थ सिस्टम वायरल डिसीजेस के लिए तैयार ही नहीं हो पाया। और जबकि कि भारत के हेल्थ सिस्टम को सबसे ज़्यादा कोशिश शायद वायरल डिसीज रोकने की करनी चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी ट्रॉपिकल कंट्री हैं, प्रोन है इसलिए हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, और हमारे यहाँ वायरल डिसीजेस बाकी देशों की तुलना में ज़्यादा फैलती हैं। उसकी दो वजह, एक तो हम ट्रॉपिकल हैं, दूसरा हमारे यहाँ सैनिटेशन की, स्वच्छता की और सफाई की समस्याएं हैं। पर आप भारत के चिकित्सा ढांचे को देख लीजिए ना, भारत में दवाएँ इतनी महंगी हैं कि आपको स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन खरीदना और स्वाइन फ्लू का वैक्सीनेशन खरीदना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं, जो इतनी लेट तैयार हो पाई है। तो भारत में
इलाज से ज़्यादातर लोग गरीब हो जाते हैं, 45% लोग जो है वो इलाज से गरीब हो जाते हैं, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, वहाँ कोरोना का स्केयर कब तक चलेगा? इकोनॉमी पर जो डैमेज है वो हमें दिख रहा है, टूरिज्म पे जो डैमेज है हमें दिख रहा है, फ्लाइट्स पे जो डैमेज है हमको दिख रहा है, ये सारा चलेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या कोरोना अगला स्वाइन फ्लू होगा भारत के लिए? क्या कोरोना उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिस स्थिति में आज हम स्वाइन फ्लू से झेल रहे हैं? अब तो हमारे पास रिकॉर्ड भी डेटा भी नहीं आता, 400 लोग एक एक राज्य में मर जाते हैं, गुजरात में 400 लोग, राजस्थान में 300 लोग स्वाइन फ्लू से मरते हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड कोई डेटा नहीं आता। भारत में वायरल डिसीजेस का सबसे पुराना इतिहास रहा है, 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था, जिसमें कहते हैं कि निराला जी की बेटी की डेथ उसी फ्लू में हुई थी। तो वायरल डिसीजेस जब भी आई हैं तो भारत में वो लंबे समय के लिए बैठ गई हैं जमकर, क्योंकि भारत के सिस्टम में उन्हें क्लीन करने का, एरेडिकेट करने का सिस्टम नहीं है। तो इसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे असर खत्म होगा, हेल्थ इम्पैक्ट इसका कितना गहरा होगा? क्या हमारा सिस्टम या हमारा हेल्थ सिस्टम वायरल डिसीज़ के लिए तैयारी करेगा, रिसर्च करेगा, दवाएँ विकसित करेगा? क्योंकि हम तो अभी लाइफ स्टाइल डिसीज़ में ही फंसे हुए हैं, लाइफ स्टाइल डिसीजेस के इलाज में फंसे हुए, उनका भी सिस्टम हम नहीं बना पाए, ये कोरोना की सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने लिखा था, जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए, कि ये बीमार की बीमारी, हमारा सिस्टम पहले से ही बीमार है हेल्थ सिस्टम में, और उसमें वायरल डिसीज आ जाना, इसीलिए वायरल डिसीज में रिपोर्ट कम होगी, सरकार डाटा छुपाएगी, बताएगी नहीं, फैटेलिटीज को छुपाया जाएगा, बट उससे क्या होगा? वायरल डिसीज अगर आप छिपाएंगे तो वो और ज़्यादा फैलेगी। अब कितने लोग बाहर से आकर अलग अलग शहरों में फैल चुके हैं, इसका हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं। तो ये था हमारा आज का अर्थात। कैसी लगी ये बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर सवाल ज़रूर पूछिएगा, हम सवालों को लेकर आएंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, काफ़ी मशक्क़त करते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपके सभी सवालों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका जवाब निकालते हैं आपके लिए। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पे, दी लल्लन टॉप ऐप डाउनलोड कीजिए, तो सारे वीडियो, किस्से, कहानियाँ, खबरें और अर्थात सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। कैमरे के पीछे राशिद हैं, साथ में हैं अंशुमान तिवारी। लल्लन टॉप देखते रहिएगा, शुक्रिया।